जनपद हापुड़ के थाना बाबगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुरा में चोरों ने सरकारी पेड़ों को निशाना बनाया और 4 शीशम के पेड़ काट कर ले गए। चोरों ने एक नीम का पेड़ भी काटा, जिसे वह खेतों में छोड़कर ही भाग खड़े हुए। सोमवार की सुबह जब ग्रामीण खेतों में पहुंचे तो उन्हें मामले की जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले से अवगत कराया। बताया जा रहा है कि ट्यूबवेल विभाग के ये पेड़ थे, जिसके अधिकारियों ने तहरीर पुलिस को दी है। वन क्षेत्राधिकारी मुकेश चंद्र कांडपाल ने बताया कि वन विभाग भी विभागीय कार्रवाई में जुट गया है। रविवार की रात को पेड़ तस्कर किसी समय गांव रामपुरा पहुंचे और बिट्टू पुत्र भोपाल चौधरी के खेत के पास स्थित सरकारी नाली पर लगे 5 पेड़ों को काट दिया। काटे गए पेड़ों में से 4 शीशम और 1 नीम का है। चोर नीम के पेड़ को छोड़कर शीशम के 4 पेड़ लेकर फरार हो गए। सोमवार को जब किसान खेतों पर पहुंचे तो मामले की जानकारी हासिल हुई। उन्होंने बताया कि चोरों ने इस दौरान खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। ये पेड़ कटे हैं रात नाली के 6-7 हैं, सरकारी के नाली के हैं पेड़। यहाँ इसमें देखिए बाबूगढ़ थाने रामपुरे के रहने वाले हम। ये सरकारी नाली पर 4 पेड़ शीशम के ले गए, 1 नीम का था, उसे छोड़ के चले गए, काट के गिर गए उसे। हमारा तो काफी नुकसान कर गया गेहूं का, सारे खेत में गाड़ी घुमाई है। नहीं, वन विभाग को नहीं दे दी हमने, थाने में सूचना दे दी, 112 नंबर पर कॉल करी थी हमने, वो आए देख के चले गए। ये मेरे खेत हैं, ये रात चोरी होगी, शीशम काट कर ले गए चोर। 4 शीशम थी, 1 नीम का पेड़ था। आज ही मैंने 112 कॉल करी थी, फिर गया था मैं चौकी पे, कुछ चौपला पे। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि ये पेड़ ट्यूबवेल विभाग के हैं, जिनके अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर फॉरेस्ट रेंजर मुकेश चंद्र कांडपाल ने बताया कि उन्होंने वन विभाग की टीम का गठन कर मौके पर भेजा। वन विभाग की टीम भी विभागीय कार्रवाई में जुट गई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।